दोस्तों, मैं शेफ आलोक श्रीवास्तव एकता होम फूड से। आज मैं आपको पुणे की फेमस तंदूरी चाय बनाने की विधि बताने जा रहा हूँ। तंदूरी चाय बनाने के लिए जितने कप चाय आपको बनानी है उतने कप दूध लेना है। जैसे मैंने 2 कप दूध लिया है 2 कप चाय बनाने के लिए। अब इसमें आधा कप करीब पानी डाल देते हैं और इसको खोलने के लिए छोड़ देते हैं। दोस्तों, जब तक दूध खोल रहा है तब तक हम ये कुल्लड़, जो कि तंदूरी चाय बनाने के लिए आवश्यक है, इसको गैस पे इस तरह से घुमा घुमा के गर्म करेंगे। दोस्तों, अब दूध खोल गया है। अब इसमें हम ग्रेट किया हुआ अदरक और इतनी सी काली मिर्च डाल देते हैं और करीब 2 चम्मच चाय की पत्ती, 1.5 चम्मच चाय की पत्ती इसमें डाल देते हैं। अब चाय को हम खोलाते हैं। जब तक ये अच्छे से पक ना जाए तब तक हम इधर कुल्लड़ को धीमी आंच में ऐसे घुमा घुमा के गर्म कर रहे हैं। दोस्तों, कुल्लड़ को आखिरी में हमें अंदर की तरफ से गर्म करना है ताकि चाय इसमें पलटी जा सके। दोस्तों, चाय हमारी अच्छे से पक गई है। अब पहले हम इसको किसी एक नॉर्मल बर्तन में छान लेंगे। दोस्तों, गरम कुल्हड़ को एक दूसरे पैन में इस तरह से रख के अब इसमें हम अपनी चाय पूरी उड़ेल देंगे। ये देखिए, छन्न की आवाज के साथ चाय जो है वो इस तरह से चाय में अब इस तरह से बुलबुले आपको दिखेंगे। अब हम इसको किसी भी नॉर्मल कप में, या मैं तो इसको कुल्हड़ में ही छान के छानूंगा। अब ये चाय बन के तैयार हो गई है, कुल्हड़ चाय, तंदूरी चाय। इसमें अलग अन्य चाय से ये विशेषता है कि इसमें स्मोकी फ्लेवर आपको मिलेगा, जो पीने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो ये इस तरह से आप चाय बना के देखिए और तंदूरी चाय का मज़ा घर पे लीजिए। धन्यवाद।